गाइस फाइनली वर्कआउट हो चुका है डन और अभी मैं जा रहा हूँ वसूली करने के लिए। अभी बज रहा है शाम का 5:30 बज रहा है, वैसे 5 नहीं 5:30 बज रहा है। मैं जा रहा हूँ वसूली पर, अपना थोड़ा सा आधा काम बचा, मतलब यहाँ की वसूली थोड़ी बहुत अच्छी, वसूली जॉब लगी तो फिर अपन बाहर चले जाएंगे। अभी तो चल रहा है संघर्ष, क्योंकि मैंने अभी भोपाल एक बार और गया था तो मैंने इंटरव्यू दिया था, फिर वहाँ पर भी बोला कि हम बताएंगे। और अभी मैंने एक कंसल्टेंसी से मैंने बात की है तो वो भी बोल रहे हैं कि 3 जगह चल रहा है, 3 बैंकों का चल रहा है, आईसीआई कोटक और HDFC, इन तीनों में से किसी में भी मेरा लोन डिपार्टमेंट हो सकता है। तो जैसे ही होगा वो मुझे इन्फॉर्म कर देंगे, देन मैं जाकर इंटरव्यू देकर आ जाऊँगा मेरा, फिर देखते हैं क्या होता है। फिर वहीं पर जिम ज्वाइन करना है और मील्स वगैरह स्टार्ट करनी है, तो ठीक है ना गाइस। फिर और आज का जो मैंने बैग पूरा शूट, मैंने आज बैग अच्छे से लगाई थी, तीन एक्सरसाइज मैंने बाइसेप्स की लगाई थी, लेकिन शूट हो पाया सिर्फ डेडलिफ्ट का, क्योंकि कोई मेरे साथ जिम में कोई गया नहीं था। तो एक ही बंदे को मैंने पकड़ा, मैं भाई डेडलिफ्ट का तो शूट करी थे, डेडलिफ्ट का तो मेरा रिकॉर्ड करी थे बस, तो डेडलिफ्ट का शूट हो गया तो मैंने वो डाल दिया। ठीक है ना, तो अभी मैं जा रहा हूँ वसूली पे, बज गया 5:30, वसूली करनी है, थोड़ी बहुत वसूली बची, वसूली निपटा के फिर मिलते हैं आपको। हाँ ब्लॉगर, ब्लॉगर तुम देखते हो ब्लॉगर को? अच्छा तुम्हारा भी चैनल है? इधर आओ इधर आओ, क्या नाम से चैनल है? फैक्ट। हाँ यार तुम्हारा चैनल है? हाँ तो इसका भी चैनल है फैक्ट बीइंग करके, तो देखते हैं चैनल का कितने का सब्सक्राइब है उसके। 23 ले, चाबी ले ले। सो गाइस ये वीडियो अभिषेक और राजेश तुम दोनों जरूर देखना, तो थोड़ा इन बच्चों से थोड़ा सीखो। सोचो वो जरा सा बच्चा है, उसके 23 सब्सक्राइबर है और उसने चैनल, मतलब उसका यूट्यूब पर चैनल है फैक्ट बीइंग करके। सोचो तुम लोग कब से बोल रहे हो हम यूट्यूब चैनल चालू करेंगे, कब से यूट्यूब चैनल चालू करेंगे। हम लोग जा रहे हैं वसूली करने के लिए, थोड़ी बहुत वसूली बची और थोड़ी कवर कर दें, फिर उसके बाद देना हमें फ्री। ब्लर अच्छा आ रहा है इसमें, पीछे का ब्लर बहुत अच्छा। अभी जो मैंने अपडेट किया था ना इसमें, तो इसमें पीछे का ब्लर आ रहा है, मतलब यानी फ्रंट फेसिंग, अभी मैं फ्रंट से शूट कर रहा हूँ तो पीछे का ब्लर आ रहा है हल्का हल्का सा, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। ये पांडे एक, अरे अरे पांडे बेइज्जती हो गई भाई, गिर जा कंटेंट। अरे भाई भाई तेरा शरीर पांडे भाई कितनी छोटी लग रही है पीछे से गाड़ी यार, देख न्यूट्रल नहीं होगी, न्यूट्रल नहीं होगी, बंद में न्यूट्रल होगी वो। जा रहा हूँ स्वीटी के लिए टोस्ट लेने। So what's up everyone? Next day and welcome to my first vlog. बारिश हो रही है हल्की हल्की सी, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और रिमझिम रिमझिम सी बरसात हो रही है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे भाई सब गिर ना जाऊंगा कहीं। So welcome to my first vlog. First vlog वैसे फर्स्ट व्लॉग तो है नहीं है, क्योंकि फिर ये क्या है, इतने सारे व्लॉग्स मतलब, लेकिन क्या करें हम भी भेड़ चाल में चल रहे हैं, पैसा किसको नहीं चाहिए भाई, पैसा सबको चाहिए। क्योंकि फर्स्ट व्लॉग बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और मैंने सुबह इस पानी एकदम कम हो चुका है और अभी मैं जा रहा हूँ मम्मी का फोन डालने सुधारने के लिए, क्योंकि वो खराब हो गया, जैसे मैं आपको सुबह बताया खराब हो गया फोन, तो फोन डालने के लिए जा रहा हूँ। और पानी भी हो चुका है बंद, हल्का हल्का गिर रहा है, बहुत माइनर सा गिर रहा है, बहुत कम गिर रहा है, समझ में नहीं आएगा कितना कम गिर रहा है, तो पानी में देखोगे तो समझ में आएगा। ये देखो हल्का हल्का गिर रहा है, हल्का हल्का, ज्यादा नहीं, 10x zoom जी, हमारे सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस का 10x zoom है। खड़ी हुई हमारी अल्फा रोमियो, वैसे बता दूं अल्फा रोमियो कार कंपनी का नाम है, अल्फा रोमियो कितना सटीक नाम है, अल्फा रोमियो। वैसे कारों का ना मुझे बहुत इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है, कारों की तरफ मेरा इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है, अब रिव्यूज भी आएंगे चैनल पे।
चाबी क्यों नहीं जा रही अंदर। हाँ गई ठीक है। तो रिव्यूज़ भी आएंगे चैनल पे, ये क्या मेरे डार्क सर्कल एकदम से बढ़ क्यों रहा है? अच्छा क्वालिटी का इशू आ रहा है मेरे को लग रहा है, मेरे डार्क सर्कल एकदम से कैसे बढ़ गया यार, इतना टेंशन वो भी एकदम से कैसे डार्क सर्कल देखा वो क्वालिटी एकदम से लो आई तो मेरे को लगा इतना टेंशन एकदम से कैसे हो गया भाई मेरे सर पे। ये हमारी अल्फा रोमियो बच गए हम, गिर जाते अभी हम। पर्सनली मैं बताऊँ ना, और मैं और गाइस एक बात बोलना चाहता हूँ आपको कि मेरे को ना व्लॉग करने में ना भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा है, तो भाई जिस चीज़ में मज़ा आया ना वो चीज़ करने का मज़ा ही अलग होता है भाई।